नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गोलू। आज की शुरू में दोस्तों बात करने वाला हूं कि अपने फार्म की दोस्तों वीडियो आपके मैं आज मेरी मादा पिगो जो थी आपको मैं कोई वीडियो में दिखाया था तो उस मादा ने हमारे फार्म पे बच्चा कर दी है। 11 बच्चों को दोस्तों हमारे फार्म को जन्म दी है और अपने फार्म के दोस्तों आज आपको जानकारी रियल टाइम दिखाने वाला हूँ। जो भी जानकारी रहेगी आप देख भी सकते हैं, जितने भी जानकारी आपको मैं देऊंगा आज की इस वीडियो में तो सारी जानकारी दोस्तों दिखा के देऊंगा। क्योंकि दोस्तों मैं शुरुआती में करता हूं, जैसे कि आपको जानवर दिखाते हैं, मैं अपने बोर जो है ब्रीडर अपना उसको मैं दिखाना चाहूंगा आपको। तो दोस्तों ये रहा अपना ब्रीडर। और आप जो सोच रहे होंगे दोस्तों सूखा चारा खिला रहे हैं गोलू भाई, और दोस्तों सूखा चारा की मैं पहले आपको बता देता हूँ। सूखा चारा काफी जो वीडियो देख रहे होंगे सोचे होंगे कि ये सूखा चारा खिलाने से क्या अच्छा रहता है, तो दोस्तों सूखा चारा से क्या रहता है कि आपके खिलाने से ग्रोथ भी अच्छा देखने मिलता है और काफी बढ़िया से जो पिग होती हैं खाती हैं सूखा चारा। और दोस्तों सूखा चारा के कम टाइम में दोस्तों आपका जो समय होगा काफी ज्यादा बर्बाद नहीं जाएगा, जो आपका समय बर्बाद नहीं जाएगा सूखा चारा आप लोग खिलाएंगे अपने पिग को। और अगर दोस्तों जैसे आप लोग छोटे फार्मर से स्टार्टिंग किए हैं या आप बड़ा करना चाहते हैं, जैसे सब कोई भी फार्म जो करना चाहते हैं करे रहते हैं तो उन्होंने बड़ा करना चाहते हैं। और दोस्तों अगर आप लोग शुरुआती से जो अपने पिग को सूखा चारा जैसे अपने पिग को आप खिलाते हैं तो उससे क्या होगा दोस्तों कि जैसे आपके पास 100 जानवर हो गए, 80 जानवर हो गए, बढ़ा लिए, आप बड़ा फार्म कर रहे हैं, तो आप जैसे बच्चे से आप छोटे छोटे बच्चे जैसे रहते हैं उससे अगर आप लोग खिलाते हैं छोटे छोटे जैसे बच्चे रहते हैं आपके फार्म पे, तो जैसे नान्हे से आप खिलाना चालू कर देते हैं सूखा चारा तो आपकी जो पिग होंगी खाने लगेंगे दोस्तों। बड़े होने पे दोस्तों आपको कम समय में आपके जो पिग होंगी चारा खा लेंगी दोस्तों, आप लोग जान लीजिए। और बड़ा हो जैसे आपके फार्म में पहले बता दिया हूँ आपको, 80 जानवर जैसे रहते हैं आपके फार्म पे दोस्तों, तो जैसे कि तो दोस्तों कम समय में आप अपने पिग को चारा खिला सकते हैं। जैसे छोटे से आप स्टार्टिंग कर दिए हैं जैसे कि सूखा चारा, इसमें दोस्तों जो आप लोग सोचते होंगे राइस पालिस निशान नहीं खाती है, इसमें कुछ आइटम भी मिलाया हुआ है जैसे मक्का सोडियोसी राइस पालिस किनकी और दवा वगैरह हर चीज मिलाया जाता है इसमें, तो थोड़ा दरदरा हो जाता है तब खावा। आप ये नहीं कि जैसे खड़ा खड़ा रहे किसान की तरह जिस आटा जिसको बोलते हैं उस दोस्तों रहेंगे तो नहीं खाएंगे जो आपके पिग रहेंगी, और ददरा टाइप के रहेंगे उसमें हर आप मिला देंगे छोटे बच्चे से आपके पिग जो होंगी खाने लगेंगी दोस्तों। तो दोस्तों जैसे ये बच्चे आपको दिखाना चाहूंगा जो हमारे फार्म पे अभी 9 बच्चे हैं बड़ी वाली मादा को, ये बच्चे दोस्तों जैसे छोटे से मैंने जैसे कि ये बच्चे जो हैं 2 महीना खो गए हैं, झूठ नहीं बोलना है आपसे, तो ये बच्चे जो हैं दोस्तों 2 महीना के हो गए हैं, तो इसको दोस्तों जो बच्चे हैं सूखा चारा खिला रहे हैं। जब दोस्तों छोटे से खिलाना स्टार्टिंग कर देते हैं जैसे कि आप लोग सूखा चारा खिला रहे हैं तो पानी दोस्तों अपने फार्म पे अधिक ज्यादा रखने के प्रयास करें। जितना दोस्तों आपके पिग जो होंगी पानी पियेंगे दोस्तों उतना दोस्तों आपके पिग ग्रोथ है अच्छा देखने के मिलेगा दोस्तों। अभी इस बच्चे के अपने बात करते हैं तो 15 से 10 किलो तक किसका वेट है दोस्तों, क्योंकि वो दोस्तों थोड़ा लापरवाही हो गया था डीवॉर्निंग नहीं कर पाए थे। तो देख सकते हैं हमारे फार्म पे जो पानी रहेगा हरदम साफ सुथरा रहता है दोस्तों अपने फार्म पे, क्योंकि दोस्तों जानवर सूखा चारा खाते हैं। आप तीनों टाइम दोस्तों आप जैसे धुलाई नहीं कर पाते हैं तो 2 टाइम करते हैं जैसे, तो पानी दोस्तों साफ है अपने पिग के लिए जरूर रखें। सूखा चारा से दोस्तों क्या रहेगा आपके 50 जानवर 80 जानवर 100 जानवर हो गए तो आपके टाइम जो होगा ज्यादा बर्बाद नहीं होगा और कम समय में आपके चारा डाला जाएगा अपने पिक को। नहीं तो दोस्तों काफी किसान के जो देखते हैं, मैं
भिगोते हैं, 2 घंटा फूलता है, फिर उसके बाद चारा जो होगा अपने पिग को खिलाएंगे। इससे क्या रहता है दोस्तों, एक बेनिफिट आपको और बताना चाहूँगा, क्योंकि जैसे जितना भी खाएंगी, मैं अंजाद पहले दोस्तों में जब शुरुआती मेरा फार्म स्टार्टिंग किया गया था, अभी तो मेरा फार्म 1.5 साल हो गया चलाते हुए, और जब शुरुआतिंग किए थे तो मैं चारा जो था भिगो का खिलाता था, तो काफ़ी ज़्यादा बर्बाद भी करती थी। ये जो चारा है जैसे नहीं खाती हैं भाई, थोड़ा उसका पेट भर गया, जैसे ज़्यादा हो गया मान लीजिए थोड़ा बहुत, तो जैसे सुबह भी खाती हैं इसको, जान लीजिए रात भर खाती हैं इसको, जो उस चारा रहता है दोस्तों बांस मारने लगता है, और जैसे उससे क्या होगा कि लेटरिंग जल्दी कर देंगे, इसका पेट जो होगा काफ़ी कम समय में खाली हो जाता है, तो इससे क्या होगा कि पेटे भी भरेगा दोस्तों, पानी भी पिग जो होंगी आपकी पियेंगी काफ़ी बढ़िया से, उनका पेट जो होगा काफ़ी भरा भी रहेगा, दोपहर में दोस्तों इस पिग को भूख भी नहीं लगेगी। तो दोस्तों मैं इस सब को जानकर ये आपको दे दिया हूँ चारा के बारे में, मैं आपको थोड़ा दिखाना चाहूँगा अपने जो पिग जो है हमारी मादा है बच्चा करी हुई है, तो अभी मैं आपको दिखाना चाहूंगा ये मादा दोस्तों, अभी इसकी मैं बात करते हैं वेट कितनी है, तो अभी इस मादा का वेट की हम बात करते हैं तो 70-75 किलो होगी दोस्तों, आप लोग जान लीजिए या 80 किलो मान लीजिए वही, क्योंकि दोस्तों 11 बच्चे को दोस्तों जन्म इस मादा ने दी है, और मैं आपको बच्चा दिखाना चाहूँगा, ये रहा इस मादा भी दोस्तों, मैं कैल्शियम एस्टोबीट इसमें मिला दिया हूँ थोड़ा, इसमें सूखे में दोस्तों मैं एस्टोबीट कैल्शियम मिला दिया हूँ, और इस मादा ने काफ़ी बढ़िया से खा रही है जो मादा है, और मैं दोस्तों ये बच्चा आप लोग जो देखें कोने में बैठा हुआ है, क्योंकि दोस्तों थोड़ा इसको ठंड लग रही है, बरसात आज दोस्तों हुई है इसलिए थोड़ा ठंड लग रही है बच्चे को दोस्तों, शुक्रन है। और आज दोस्तों हम बात करते हैं कि आपकी वीडियो है, तो आज दोस्तों 11 अक्टूबर है दोस्तों, 11 अक्टूबर के वीडियो है, अब दोस्तों अपने फार्म की वीडियो लाएंगे वही मान लीजिए 20-25 दिन बाद है, ये वीडियो अपने फार्म के लाएंगे, तो आपको ये दिखाएंगे मेरे जो बच्चे हैं, ये बच्चे 11 बच्चे हैं, 10 बच्चे यहाँ पर बैठे हुए हैं और एक बच्चा वहाँ पर बैठा हुआ है, आप देख सकते हैं, और मैं जो बच्चे देखते हैं आपको दिखाते हैं कितना ग्रोथ होगा। अभी तो दोस्तों मान लीजिए 40 दिन दूध ही पियेंगे, चारा विशेष खाएंगे नहीं, तो अभी दोस्तों हम बात करते हैं कब बच्चा है मादा की, तो ये दोस्तों मादा बच्चा कल शाम को की, तो काफ़ी किसान के मन में ये रहता है, ऐसी वीडियो दोस्तों आपको कोई भी वीडियो आपको ऐसे नहीं दिखाएगा, कोई भी यूट्यूबर नहीं दिखाएगा, और इसकी हम बात करते हैं जैसे बच्चे तुरंत के दोस्तों जन्म जैसे मादा दे देती हैं तो कितने केजी के रहते हैं वो बच्चे, तो 1 केजी के दोस्तों 1.5 केजी के रहते हैं दोस्तों मादा के जो बच्चे होंगे, ये बच्चा दोस्तों थोड़ा मेरा रात में जो बच्चा सुस्त पड़ा था वहां पर रात में दोस्तों थोड़ा दब गया था, इसमें दूध सब बच्चे पी रहे थे, उसके बाद ये बच्चा जो आप देख रहे हैं चला गया उसके मादा के बगल में दब गया, उसका थोड़ा नाखून में लग गया है चोट, इसलिए दर्द कारण थोड़ा ठंड भी लग रही है, अभी बरसात भी हुआ है इसलिए बच्चा सुकरन है उसका, वो बच्चा आप लोग देख सकते हैं आज थोड़ा बहुत दब गया, थोड़ा गोड़ में देख दिखाना चाहूंगा आपको, दिक्कत भी है दोस्तों देख सकते हैं गोड़ उठाया हुआ है, और ये सब बच्चे काफी बढ़िया हैं दोस्तों बैठे हुए हैं, क्योंकि दोस्तों अभी 11 अक्टूबर के पानी भी बरस रहा है 5 अक्टूबर से दोस्तों लगातार, तो दोस्तों आज की मेरी वीडियो करने के लिए थैंक यू दोस्तों, कोई वीडियो मिलते हैं दोस्तों, और ऐसी वीडियो दोस्तों आपको पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, वीडियो को लाइक कर देना करो, क्योंकि दोस्तों ऐसी वीडियो दोस्तों कोई भी आपको नहीं लाता होगा यूट्यूबर, क्योंकि मैं आपको रियल टाइम आपको जानवर भी दिखाता हूँ,
जो भी अपने फार्म के लाता हूँ रियल टाइम हर चीज़ किस तरह से रहते हैं और किस तरह से नहीं। तो दोस्तों आपको अगर जैसे बोर खरीदना है तो हमारे पास अवेलेबल भी हैं कुछ बोर भी, आप मुझको कमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों मेरी वीडियो करने के लिए थैंक यू दोस्तों कोई